बलौदाबाजार जिला के ग्रामीण चोरी की घटना से परेशान होकर कोसम सरा के ग्रामीण कसडोल थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से शिकायत पत्र देते हुए बताया है कि विगत 2 माह से ग्राम कोसम मारा में अलग अलग जगहों पर लगातार चोरी की घटना हो रही है, जिसकी सूचना कसडोल थाना में पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि गाँव में अभी तक 6 लोगों के घर और दुकान में चोरी हो चुकी है, जिसमें से ग्रामीण बहुत परेशान और भय के माहौल में हैं। ऊपर से हुटिंग हो रहे हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर असामाजिक तत्वों की लगातार प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही है। आज मेरे घर में मेरी रखी हुई कार, जो घर के अंदर रखा हुआ कार है, उस पर तोड़फोड़ किया गया और मेरी बगल में जो दादी रहती हैं, मेरी नानी है कहना चाहिए, उनको डंडा से प्रहार किया गया था। तो वो तो भगवान की शुक्र गुजार हैं कि उनको डंडा लगी नहीं, वरना ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर जीवन लीला समाप्त हो जाती। तो ये अपराध को देखते हुए गांव वाले में इतना अंदर आक्रोश है। निवासी कोसम सरा थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये रात में सो रहा था और इसके पड़ोसी है राम अवतार वर्मा, वो अपने ग्रैंड i10 कार को अक्सर अब इसके घर में रखता है और रात में 3:30 बजे करीबन एक व्यक्ति हैं आशु दास मानिकपुरी, उनके घर में जाकर चोरी की नियत से घुसकर उनके कार में तोड़फोड़ किए हैं। तोड़फोड़ कर वारदात कर रहे थे, उसी दौरान जगने पर चोरी लगातार 2 महीनों में कम से कम 6 से 7 चोरियां कंटिन्यू हो चुकी है, जिसमें नाम लेना तो मुश्किल हो चुका था, क्योंकि आज की जो वारदात हुई उसमें सरासर पूरा उनका नाम जग जाहिर और 2-3 जने उनको देखे हैं समक्ष रूप से। व्यक्तिगत तो अभी तक किसी को वहां से उठाकर गिरफ्तार नहीं किए हैं, लेकिन शंका में 2-4 को उठाए थे, लेकिन उन लोग भी डर के मारे ऐसा कुछ जबान से अपना नहीं बोल पाए उन लोग। अभी आगे क्या कुछ चाह रहे हैं आप? आगे हम कार्रवाई की मांग करते हैं, चूँकि नशा पान इतना हावी हो चुका है हमारे गाँव में, ग्राम पंचायत कोसमसरा में लगभग जितने भी युवा हैं खासकर वो गांजा और दारू से पूरा त्रसित है।